संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, एयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत, हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। रमसाना में जो ये बाई इलेक्शन है इलाहाबाद का, उसके चुनावी कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रमेश बहादुर जी, हमारे सुरेश धनोदा जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्तागण और मेरे सामने उपस्थित गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 30 अक्टूबर को अहमदाबाद का उपचुनाव होने जा रहा है और ये एक जो उपचुनाव है ये आप पर मेरे ख्याल से थोपा गया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब हो जाता तो सरकार ने भी एक दो छः महीने के अंदर चुनाव को करवाया। तो अभी चुनाव है तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता के संयुक्त उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा जी, और गोविंद कांडा जी एक सामाजिक आदमी हैं, आप लोगों के बीच आदमी कोई बाहर से, तो आने वाले 30 तारीख को मैं आप लोगों को बीच श्री गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील करने के लिए आया हूँ, और आने वाले 30 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर अपने उम्मीदवार को भारी मतों से जिताएं। और जिस तरह से आपको पता है कि भाई सरकार जनरल जो आम चुनाव होता है तो उसमें पता ही नहीं रहता किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, लेकिन अब तो आपके सामने सरकार बनी बनाई है, आपने तो सरकार में सिर्फ हिस्सेदारी डालनी है, उसमें तो ये रहता पता नहीं किसकी सरकार बनेगी। अब इस चुनाव से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप सरकार में अपना नुमाइंदा चुनोगे सरकार का तो वो आपका एक वकील के तौर पर आपकी पैरवी करेगा हल्के। आपकी जो अभी आप पानी की समस्या बता रहे थे और कोई सड़क की, जैसे अभी मैं आ रहा था, सड़कें भी काफ़ी टूटी पड़ी हैं, तो इन सब चीज़ों की पैरवी विधानसभा में आपका उम्मीदवार करेगा। अगर सरकार का उम्मीदवार होगा, नुमाइंदा होगा, तो आपकी अच्छी पैरवी करेगा और आपके अच्छी तरह से काम होंगे। तो अब आगे 3 साल आपने काम लेना है, तो वह समझदारी तो इसी में सरकार के साथ चलना चाहिए, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और जिस तरह से पिछले 7 साल में वो काम कर रहे हैं कि भाई बिना भेदभाव के, बिना भाई भतीजावाद के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना इलाकावाद के, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आपने देखा वो पहले वाले जो सरकारें थी उसमें तो जहाँ का मुख्यमंत्री होता था वहीं के काम होते थे, वहीं के बच्चे नौकरी लगते थे, वहीं का विकास होता था, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी पूरा हरियाणा, हरियाणा एक और हरियाणवी एक के नारे पर चलते हुए, और जो अंत्योदय का जो सिद्धांत है कि भाई समाज के अंदर गरीब से गरीब आदमी को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी की और JSP की सरकार काम कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह की सरकार है और जिस तरह से सबका साथ लेकर चल रही है, और जो सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि भाई जो पहले की तरह धांधली ना हो, एक उदाहरण देता हूँ आपको कि भाई जो नौकरियाँ हैं, पहले नौकरियाँ कैसे लगती वो आपको पता है, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योग्यता के आधार पर नौकरी देने का जो काम किया है, तो आप सब लोग भी यहाँ बैठे हो, आपके बच्चे भी जो खूब गरीब होंगे लेकिन लायक होंगे, योग्य होंगे, वही बच्चे नौकरी लगे, ये आप इस बात के गवाह हैं। और इसी तरह जिन परिवारों में एक भी बच्चा नौकरी नहीं है उनको भी 10 नंबर देके आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और जो अभी परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं उसमें भी ये सोचते हैं कि भाई जो गरीब से गरीब है उस आदमी का भी कुछ भला होना चाहिए, और वो परिवार पहचान पत्र के अंदर जो आप अपनी आय दर्शाओगे कि भाई मेरी इतनी आय है, और उस पर फिर वेरिफिकेशन करेगी सरकार, अगर सही पाई गई तो जो लोग जिनकी आय 1,80,000 से कम है उनको जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार की वो ऑटोमेटिकली उसके खाते में चली जाएंगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग चक्कर काटते हो BPL कार्ड बनाओ प्लान बनाओ, तो ये उस टाइम BPL कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सारा पहचान परिवार पहचान पत्र के साथ ही जुड़ जाएगा। तो ये जो सोच है सरकार की,
और बहुत से अच्छे अच्छे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, जैसे गाँव में लाल डोरा खत्म करना, गाँव के अंदर किसी की रजिस्ट्री नहीं है मेरे ख्याल, सब ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा भी ड्रोन से वो करके सर्वे करके और जो जहाँ बैठा उसके वहीं उसकी रजिस्ट्री कर दो, ताकि वो अपना प्लाट बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है, लोन भी ले सकता है, तो शहरों की तर्ज पर ये काम हो जाएगा, नहीं तो ना तो कोई बेच सकता था ना कोई दूसरा खरीद सकता था। तो बहुत से ऐसे काम जो किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना इसमें हिस्सेदारी डालें और अपने कैंडिडेट को अच्छे वोटों से जिताएं, गोविंद कांडा जी को, और आपका जो विकास का जो अभी दिक्कत बता रहे थे वो सब काम पूरे होंगे। जहाँ तक पानी की आपने शिकायत करी है, इसके बारे में बात करूँगा और जल्दी इसका समाधान मैं करवाऊँगा। धन्यवाद।